नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मानचित्र के बारे में, मैप्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी आपके जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। याद रखना है आपको कि आपके जितने भी चैप्टर मानचित्र से संबंधित खत्म होते जा रहे हैं, वो आपके मैप्स या मानचित्र के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। विश्व के प्रमुख पठार देखना है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग अपनी पृथ्वी का जो मानचित्र है उसे देख लेते हैं। कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, उनको भी एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपना एशिया, ये आपका एशिया, इसमें आपका इंडिया, भारत ये है, ये आपका ऊपर यूरोप है, आपका ये नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, और आपका ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, और फिर आए तो ये आपका ऊपर उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, अब इसमें कुछ हम लोग देश देख लेते हैं, महत्वपूर्ण देश। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारत के बारे में। क्या बात करते हैं, नीचे आपका ये लक्षद्वीप सागर है, यही आपका ये श्रीलंका है। ठीक है, आपका ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपका बांग्लादेश है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, और सबसे कम अफगानिस्तान से, पीओके वाला हिस्सा लगता है अफगानिस्तान से। ये आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ऊपर आपका ये चीन है। ये आपका यहाँ लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, यहाँ आपकी दक्षिण कोरिया, ऊपर चलें तो उत्तरी कोरिया, यहाँ आपका ये जापान है, ऊपर मंगोलिया, ये चीन हो ही गया, ये आपका ऊपर रूस है, ये पूरा रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस है, याद रखना है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यही आपकी ये फारस की खाड़ी है, ये आपका लाल सागर है, अदन की खाड़ी है। ठीक, फिर ये आपका यूरोप लगा हुआ है। ठीक है, इसमें यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, इस्टोनिया, लातविया। ठीक है, ये आपकी यूरोप हुए। फिर आपका ये अफ्रीका है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस, नाइजर, माले, मोरिटानिया, टानिया, नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, ये इथोपिया, ये आपका सूडान है, इरिटिया, सोमालिया। ठीक है, यहाँ नीचे जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये प्रमुख, यहाँ ये आपका मेडागास्कर है। ठीक, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देख लिया है, पश्चिम, इसमें आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन टेरेटरी, क्वींसलैंड, वेस्टर्न, न्यूकैसल, विक्टोरिया, एली एडिलेड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है। ठीक है, कोरल सागर, ये ऊपर तिमोर सागर, अराकोन, फुरा सागर। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया अपने हो गए, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, इसमें अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, कैरिबियाई सागर है आपका, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपका मैक्सो देश है, ये ग्वाटेमाला है, ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका शिकागो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क। ठीक, ये आपका कनाडा है ऊपर, यहाँ हडसन की खाड़ी है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, विश्व के बारे में एक नज़र में हम लोगों ने पूरी पृथ्वी घूम ली है। ठीक, चलो कहीं नहीं तो यहीं घूम लेते हैं हम लोग पृथ्वी, वहां जाने का अलग बात हो जाएगा, कम से कम यहां से तो आनंद उठा लेते हैं।
तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग विश्व की प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं आज हम लोग। क्या करते हैं इनकी स्थिति देखते हैं मानचित्र में। सबसे पहले एक बार और नजर डाल लीजिए अपनी पृथ्वी पर। यह है पूरी आपकी पृथ्वी, इतने समय अपने घूम ली पृथ्वी पूरी। तो सबसे पहले आपका रूस में है मध्य साइबेरियन पठार, ये आपका रूस में है। फिर आपको ये मंगोलिया है आपका, मंगोलियाई पठार। कौन सा? मंगोलियाई पठार। तो याद रखना है मंगोलियाई पठार के बारे में कि चीन व मंगोलिया, क्या चीन मंगोलिया के क्षेत्र में स्थित है। उच्च भूमि जो जुगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन तथा तेन सान पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। गोबी मरुस्थल इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक। फिर आपका तकला माकन, ये नीचे आपका तकला माकन है। कौन सा है? तकला माकन। इसके बारे में याद रखिए कि चीन के तारिम बेसिन क्षेत्र में स्थित है। ठीक। चीन के तारिम बेसिन क्षेत्र में। फिर आपका ये पामीर का पठार है। पामीर का जो पठार है आपका, ये आपका विश्व की छत उपनाम से प्रसिद्ध है। पामीर के पठार को विश्व की छत उपनाम से प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत के पठार का भाग है। इसी पठार में पामीर की गांठ से क्यून्स लोन, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर आदि श्रेणियों का उद्गम होता है। फिर आए नीचे तो तिब्बत का पठार। जो तिब्बत का पठार है, उत्तर में कुनलून पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है। इस पठार में से अनेक नदियां आपकी उद्गमित होती हैं। फिर यूनान का पठार है। कौन सा? यूनान का पठार चीन के दक्षिणी पूर्व में विस्तृत। यूनान का पठार दिन ये टिन, लोहा, कोयला वन अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। फिर आपका ये आपका पोतवार का पठार। कौन सा? पोतवार का पठार, यह आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विस्तृत है। ठीक। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। ये आपका भारत में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत में स्थित है। ठीक। इसे भारत का रूर कहा जाता है। फिर ये आपका दक्कन का पठार है, भारत में ही स्थित है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है। यह दक्षिण भारत में स्थित है। फिर नीचे चले तो आपका ये सान पठार है। कौन सा? सान पठार। अराकान युमा के पूर्वी भाग में स्थित, म्यांमार में स्थित है। ठीक है। कोरात का पठार है आपका। कौन सा? कोरात का पठार। कोरात के पठार के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसे नेखोन रक्चा सीमा भी कहा जाता है। यह उत्तर पूर्वी थाईलैंड का एक पठार है। ठीक। फिर नीचे आए ऑस्ट्रेलिया में तो ये किम्बरले का पठार है। कौन सा? किम्बरले का पठार। और किम्बरले के पठार के बारे में आपको याद रखना कि यह पठार ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यहाँ पर इस पठार से आपको हीरा, लोहा, तांबा व चांदी के खनन हेतु प्रसिद्ध है पठार। फिट्ज राय नदी का प्रवाह क्षेत्र यही बरकली पठार है आपका। कौन सा? वर्कली पठार। यह पठार आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में न्यू कैसल से क्वींसलैंड तक विस्तृत है। ठीक है। यहाँ यूरेनियम, तांबा जैसे खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया के कुछ हो गए। आगे चलते हैं उष्ट उर्द पठार। कौन सा? उष्ट उर्द पठार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर तथा अरल सागर के मध्य स्थित है। ठीक। फिर आपका एशिया माइनर। कौन सा? ये आपका यही एशिया माइनर है। फिर ये आपका ईरान का पठार। कौन सा? ईरान का पठार। इसके बारे में याद रखिए ईरान के पठार के बारे में कि एलबुर्ज बा जागरूस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ईरान का अंतर पर्वतीय पठार है। इसके दक्षिण में दस्त एलूत मरुस्थल स्थित है। फिर आपका ये अनातोलिया का पठार, ये देख ही लिया है, एशिया माइनर।
ये है आपका यहाँ अनातोलिया का पठार। कौन सा? अनातोलिया का पठार। तो जो अनातोलिया का पठार है, तुर्की के मध्य पठारी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। इसके दक्षिण में टोरस पर्वत, पश्चिम में एजियन सागर तथा उत्तर में काला सागर अवस्थित है, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत और आर्मेनियाई की गांठ बनाती है। यहाँ की अंगोरा बकरी की मुलायम ऊन तथा किशमिश विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपका ये ऊपर बोहेमियन पठार है। कौन सा? बोहेमियन पठार। इसके बारे में याद रखिए आप लोग कि ये यूरोप के मोरावियन हाइट्स व ब्लैक फॉरेस्ट के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र को बोहेमिया का पठार कहा जाता है। ठीक, आपकी जो एल्ब नदी है यहीं से निकलती है। ठीक, फिर आपका एंटिक पठार है। एंटिक पठार कौन सा? ये आपका एंटिक पठार है। फिर आपका ये मोसेटा पठार है। कौन सा? मोसेटा पठार। ये मोसेटा पठार आपका आइबीरिया बीरिया प्रायद्वीप के क्षेत्र में स्पेन का पठार पर्वतीय पठार है। ठीक है, फिर आपका ये एट माल्ट पठार है। कौन सा? एट माल्ट पठार, एट सॉरी टेड टेड माल्ट पठार, एट नहीं टेड टेड माल्ट पठार। ये अल्जीरिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक पठार जहां से बाप्ती मियां तथा वादी जाउरो नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ये आपका तासली पठार है। ये आपका पहले तो याद रखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया है पूरा, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, यह आपका अफ्रीका, तो इसमें आपका तासली पठार। जो तासीली पठार है, तासीली पठार के बारे में आपको याद रखना कि अल्जीरिया के पूर्वी भाग में अवस्थित तासीली का पठार पर्वतीय पादीय पठार है। ठीक है, फिर आए नीचे तो आहा ग्यार पठार। इसके बारे में याद रखिए कि ये आपका अल्जीरिया लीबिया व नाइजर के मध्यवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ आपको फुलानी जनजाति पाई जाती है। जोस पठार। कौन सा? जोस पठार। जो नाइजीरिया स्थित यह पठार टिन के निक्षेपों से संबद्ध है। नाइजीरिया का प्रमुख शहर कानो इसी पठार पर अवस्थित है। आबिसिनिया पठार। कौन? आबिसिनिया का पठार ये पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है। ठीक, यहीं से टाना झील के पास से आपकी ब्लू नदी निकलती है। फिर आदा आदा मावा पठार। इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो आदा मावा का पठार नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर अवस्थित है। इस पठारी भाग से अनेक नदियां का उद्गम होता है। उबांगी पठार, या आपका उबांगी या अबांगी पठार। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए कि आदा मावा पठार के पूर्वी भाग में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्षेत्र में उच्च पठारी भाग है। ठीक, फिर ये आपका कटंगा पठार। कौन सा? कटंगा पठार जायरे स्थित तांबा व हीरा के उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ कांगो या जायरे नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, इसी पठार से। फिर नीचे आए आप तो बाई पठार। कौन सा? बाई पठार अंगोला स्थित उच्च भूमि तथा अनेक नदियों का उद्गम बप्पीवाह क्षेत्र है। ठीक है, फिर आपका ये टंगानिका का पठार। यहाँ आपका टंगानिका का पठार। तो टंगानिका के पठार के बारे में याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में टंगानिका झील के पूर्वी स्थित विशाल पठार है। फिर आपका घाप पठार है। कौन सा? घाप पठार। ठीक, ये थे आपके अफ्रीका महाद्वीप के जो भी पठार थे। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में, तो सबसे नीचे आते हैं पैटागोनिया का पठार। कौन सा? पैटागोनिया का पठार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना स्थित शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। ठीक है, फिर आपको मांटो ग्रासो पठार। ये आपका मांटो ग्रासो पठार। मांटो ग्रासो जो पठार है आपका, ये ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बोलिविया की सीमा के पास स्थित है। ठीक,
फिर आपका बोलिविया पठार है, बोलिविया कौन सा? पठार। तो इसके बारे में याद रखिए कि पेरू व बोलिविया के मध्य फटल विरूपणी बल से निर्मित अंता पर्वतीय पठार है, यहाँ टेन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका बार बुरेमा पठार, बोर बुरेमा पठार, कौन सा? बोर बुरेमा पठार। तो इसके बारे में याद रखिए कि ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अवस्थित पठार जो ब्राजीलियन उच्च भूमि का भाग है। फिर चलते हम लोग उत्तरी अमेरिका में, तो ये मैक्सिन का पठार है आपका, कौन सा? मैक्सिन का पठार। याद रखना है मैक्सिन के पठार के बारे में कि ये आपका मैक्सिन पश्चिमी तथा पूर्वी सेरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य मैक्सिको में अवस्थित है आपका। फिर ये आपका एडवर्ड्स पठार, कौन सा? एडवर्ड्स पठार। इसके बारे में याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में पैकोज नदी के पूर्व स्थित एक पर्वत पदीय पठार है, यही आपका कोलोरेडो पठार है। कौन सा? कोलोरेडो पठार रॉकी व वसास श्रेणियों के मध्य स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कोलोरेडो नदी है जो आपकी यहीं से निकलती है। फिर ओजार्क पठार, कौन सा? ओजार्क पठार ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकनसास तथा मिसौरी प्रांत में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका कम्बरलैंड पठार है, कौन सा? कम्बरलैंड पठार। इसके बारे में याद रखिए कि कम्बरलैंड जो पठार है संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी प्रांत में अपलेसियन पर्वत के उत्तर पश्चिम स्थित एक पठार है, यहाँ से आपकी टेनेसी घाटी क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले का प्रचुर भंडार है। ठीक है, पीडमांड पठार है, पीड मांड पठार है आपका, ये आपका कोलंबियन पठार है, कोलंबियन पठार, कौन सा? कोलंबियन पठार। इसके बारे में याद रखना कि रॉकी व कॉस्केड श्रेणियों के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी भाग है। ठीक है, ये आपका ऊपर लारेंसियन पठार है, लारेंसियन पठार ये लिब्राडोर प्रायद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, फिर आपका ये हॉर्न का पठार है, कौन सा? हॉर्न का पठार। इसके बारे में याद रखिए आप लोग कि ये कनाडा में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेट झील के मध्य स्थित है। यूक्रॉन पठार, ये आपका यूक्रॉन पठार है। तो इसके बारे में याद रखना है कि यह अलास्का के क्षेत्र में बुक्स एवं अलास्का श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो याद के थे मुख्य पठार। ठीक है, विश्व के प्रमुख पठार लगभग लगभग हम लोगों ने खत्म कर लिए जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोगों को पॉइंट देखना है जो आपको याद रखना है। ठीक है, उन्हें देखते हैं हम लोग। तो यह आपका अनातोलिया का पठार, तुर्की के मध्य पठारी भाग को अनातोलिया कहा जाता है। इसके दक्षिण में टोरस पर्वत, पश्चिम में आपका इजियन सागर तथा उत्तर में काला सागर अवस्थित है, जबकि पूर्व की सीमा अरारात पर्वत एवं आर्मीनियाई की गांठ बनाती है। यहाँ की अंगोरा बकरी की मुलायम ऊन तथा किशमिश के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये जगह। ठीक है, फिर आपका आबिसिनिया का पठार, पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया में स्थित अग्नेय चट्टानों से निर्मित एक पठार, क्या है? एक पठार है जिसकी सर्वोच्च चोटी है रासदसान, यहीं से टाना झील के पास से बिलू झील नदी निकलती है आपकी। फिर आप केप पठार, दक्षिणी अफ्रीका में आरेंज नदी के उत्तर में स्थित एक अंतरा स्थलीय शुष्क पठार है आपका। फिर आपका ट्रेड माल्ट पठार, अल्जीरिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक पठार जहाँ से बाबिमिया बिमिया तथा वादी जावरो नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। फिर टंगानिका का पठार, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में टिगानी की झील के पूर्व स्थित बैसाल्ट पठार है। फिर आपका ओजार्क पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकनसास तथा मिसौरी प्रांत में फैला एक अपवर्धित पठार है जिस पर हाइट नदी बहती है। फिर
रहे आपका ये एडवर्ड्स पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत में पेकोच नदी के पूर्व में स्थित एक पर्वत है। ठीक है। फिर आपका कम्बरलैंड पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनिसी प्रांत में अपलेसियन पर्वत के उत्तर पश्चिम स्थित एक पठार, जहाँ टेनिसी घाटी क्षेत्र में बिटुमिनस कोयले के लिए का प्रचुर भंडार है। ठीक है। फिर आपका हान पठार, कनाडा में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मरर्ट स्लेब झील, मैग्रेट झील, स्लेब झील के मध्य स्थित एक पठार है। ठीक है। हान पठार आपका आपका है। फिर उस्त उर्द पठार ये आपका कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर तथा अरल सागर के मध्य स्थित है। फिर आपका कोरात पठार, इसे नेकोन लच्छा सीमा भी कहा जाता है। यह उत्तर पूर्वी थाईलैंड का एक पठार है। यह मक्का व मोटे अनाज की खेती होती है। फिर है आपका माटो ग्रासो पठार, ब्राजील के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोलिविया की सीमा आपके पास स्थित एक पठार, जहाँ से अमेजन की सहायक तापा जोस नदी उत्तर दिशा में बहती है तथा पराग्वे नदी वहीं से निकलकर दक्षिण दिशा में बहती है। ठीक। फिर है आपका लारेंसिया का पठार, ये लिब्राडोर प्रायद्वीप में अवस्थित यह पठार कनाडियन सील्ड का भाग है। यह पठार खनिज संसाधन संपन्न है, यहाँ लोहे ऐसे मिलता है आपको। फिर आपका कोलोरेडा पठार, रॉकी वसाज श्रेणियों के मध्य स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार, यहीं से कोलोरेडो नदी निकलती है, जिस पर विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन अवस्थित है। ठीक है। फिर आपका कोलंबिया पठार, रॉकी व कॉस्केड श्रेणियों के मध्य अंतर पर्वतीय पठार है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पठारी भाग है। कोलंबिया नदी व स्नेक नदी इसी पठार से होकर प्रवाहित होती है। फिर आपका मेक्सिको का पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी सेरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के मध्य मेक्सिको में अवस्थित पठार है। ठीक है। फिर आपका बोलीविया का पठार, पेरू व बोलीविया के मध्य पटल विरूपणी बल से निर्मित अंतरा पर्वतीय पठार है, यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका पेटागोनिया पठार, अर्जेंटीना स्थित शीतोष्ण मरुस्थलीय पठार है। फाकलैंड ठंडी धारा के प्रभाव से इसके उत्पत्ति हुई है, यहाँ भेड़ पालन किया जाता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका बोर बुरेमा पठार, ये आपका ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है, जो ब्राजीलियन उच्च भूमि का भाग है। फिर आपका यूक्रॉन पठार, ये मध्य अलास्का के क्षेत्र में वुक्स एवं अलास्का श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। ठीक है। अंतर पर्वतीय पठार है। फिर आपका मेसेटा पठार, साइबेरियाई प्रायद्वीप के क्षेत्र में स्पेन का पठार, पर्वतीय पठार है, या जो लोग ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लावा पठार है, या लोहा पाया जाता है आपका। ठीक है। फिर आपका बाई का पठार, अंगोला स्थित उच्च भूमि तथा अनेक नदियों का उद्गम व विवाह क्षेत्र है, जम्बेजी नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। फिर आपका आदा मावा का पठार, नाइजीरिया व कैमरून की सीमा पर अवस्थित इस पठारी भाग से अनेक नदियों का आपका उद्गम होता है। ठीक। फिर आपका कटंगा का पठार, जायरे स्थित तांबा व हीरा उत्पादन के क्षेत्र है, कांगो या जायरे नदी का उद्गम इसी पठार से होता है, लोमामी नदी भी इसी पठार से निकलती है आपकी। फिर आपका ईरान का पठार है, एल्बोज व जागरूस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ईरान का अंतर पर्वतीय पठार है, इसके दक्षिण में 10 तेलू मरुस्थल विस्तृत है। पामीर का पठार, विश्व की छत भी कहा जाता है इसे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तिब्बत के पठार का भाग है। इसी पठार में पामीर की गांठ से कियून लून, काराकुरम, हिंदू कुश, सुलेमान, किर्तक आदि सैनिया का उद्गम होता है। फिर आपका तासिली का पठार, अल्जीरिया के पूर्वी भाग में अवस्थित तासिली का पठार पर्वत पादीय पठार है, आहागार पर्वत इसके दक्षिण में अवस्थित है।
तकला माखन का पठार चीन के तारिम बेसिन के क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि जुगेरियन बेसिन तारिम बेसिन व तेन सान पर्वत के उत्तर स्थित है। ठीक। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। त्रिभुजाकार आकृति, यह पठार विभिन्न खनिज संसाधनों से संपन्न है। यह दक्षिण भारत में स्थित है आपका। फिर आपका छोटा नागपुर का पठार, भारत स्थित दक्षिण का पठार उत्तरी पूर्वी भाग में है। यह पठार लोहे, अयस्क, कोयला व अन्य विभिन्न खनिज संसाधनों से संपन्न है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। फिर आपका मंगोलिया का पठार, चीन व मंगोलिया के क्षेत्र में स्थित उच्च भूमि जो जुगेरियन बेसिन तारिम बेसिन व तेन सान पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। गोबी मरुस्थल इसके दक्षिण में विस्तृत है। सान पठार अराकान योमा के पूर्वी भाग में स्थित म्यांमार स्थित पठार, यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वांगी पठार आधा मावा पठार के पूर्वी भाग में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्षेत्र में उच्च पठारी भाग है। फिर आहा गार्ब का पठार अल्जीरिया, लीबिया व नाइजर के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित यह पठार एक पर्वतीय पठार है। यह फुलानी जनजाति पाई जाती है। फिर आपका बोहेमिया का पठार यूरोप के मोरावियन हाइट्स ब्लैक फॉरेस्ट के मध्यवर्ती पठार क्षेत्र को बोहेमिया का पठार कहते हैं। यह बोहेमिया फॉरेस्ट स्थित है। यहाँ कोयला का प्रचुर मात्रा में मिलता है। एल्ब नदी यहाँ से निकलती है आपकी। फिर आपका जोस का पठार नाइजीरिया स्थित यह पठार टिन के निक्षेपों से संबद्ध है। नाइजीरिया का प्रमुख शहर कानो इसी पठार पर अवस्थित है। फोर्थवार का पठार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विस्तृत इस पठार पर साल्ट राइन पठारी अवस्थित है। तिब्बत का पठार उत्तर में कुनलून पर्वत, दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरा विश्व का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। इस पठार से अनेक नदियों का उद्गम भी होता है। इसकी औसत ऊंचाई है 5,000 मीटर। यूनान का पठार चीन के दक्षिण पूर्वी में विस्तृत यूनान का पठार टिन, लोहा, कोयला, अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। वरकली का पठार, यह पठार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में न्यू कैसल से क्वींसलैंड तक विस्तृत है। यह यूरेनियम, तांबा जैसे खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरली का पठार, यह पठार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह पठार हीरा, लोहा, तांबा व चांदी के लिए के खनन हेतु प्रसिद्ध है। फिट्ज़रॉय नदी यहाँ का नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये थे आपके प्रमुख पठार। आगे हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख अंतरद्वीप के बारे में। ठीक है,